12 बजे मेरा टेस्ट आ चुका था, तो हमारा टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, तो 2 दिन पहले मैंने कोविड टेस्ट कराया, तो आज उसका रिपोर्ट आने वाला है। 12 बजे उसका रिपोर्ट आएगा, तो मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि ये रिपोर्ट नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि यार मैं 2 दिन से बाहर ही नहीं निकला यार, बहुत दिक्कत आ रही है, घर पे ही रहना पड़ रहा है, और आज की जनरेशन के लिए ना ये बिल्कुल डिफिकल्ट है घर पे रुकना। बस टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, बाकी तो ठीक है। आप लोग भी अपना ख्याल रखो, बाहर जाते टाइम मास्क वास्क पहनो, मतलब खुद का ख्याल रखो, बाहर मत निकलो ज्यादा, जरूरत पड़ी तब बाहर निकलो। फिलहाल आज देख लेते हैं कि टेस्ट क्या आएगा। तो घर वाले भी मास्क नहीं उतारने दे रहे, पहले मैं वो कॉटन वाली मास्क पहनता था, तो अभी घर वालों ने बोला कि सर्जिकल मास्क पहनो और उसके ऊपर एक और मास्क लगाए 95। तो फिलहाल घर वालों का मान रहा हूँ, अगर टेस्ट नेगेटिव आया फिर मैंने घर पे रुकना ही नहीं है, फिर आज मैं पूरा दिन घूमूंगा। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, मैं अभी नींद से उठा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बिल्कुल मत बोलना भाई लेट क्यों उठे हूँ यार। मुझे मतलब क्या, मैं फुल्ली ट्रेन हो गया था, तो इसलिए आज मैं थोड़ा लेट उठा, बीमार था तो लेट उठा, वरना मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ। चलो देखते हैं कि क्या बनेगा आज के व्लॉग में, आप लोग बस वीडियो में बने रहे। तो गाइस हमारा टेस्ट आ चुका है, 12:30 बज चुके हैं, तो 12 बजे मेरा टेस्ट आ चुका था, तो हमारा टेस्ट नेगेटिव आया है। तो अच्छी बात है कि हमारा टेस्ट नेगेटिव आया, अब बस बाहर घूमने हैं। 2 दिन से मैं घर पे हूँ यार, बहुत ज्यादा बोर हो रहा था मैं। अब भी खाना खा लेंगे, अच्छे से पेट भर के खाना खाएंगे। 2 दिनों से मैंने अच्छी तरीके से खाना भी नहीं खाया, आज हम अच्छे से खाना खा लेंगे, अच्छे से खाना खा लेंगे, फिर बाहर घूमने के लिए चलेंगे, मुस्तफा से मिलेंगे और सादत से भी मिलेंगे। 2 दिन से मैं इन 2 बंदों से मिला ही नहीं। फ्रेंड्स ना यार दिल के बहुत करीब होते हैं, मतलब इनसे मिलना ही मिलना होता है दिन में एक बार। चलो आज 2 दिन बाद हम इनसे मिलेंगे, गप्पे वप्पे लड़ाएंगे यार, अगर कुछ खाने का मूड भी बना तो वो भी करेंगे। चलो देखते हैं कि आगे क्या सीन बनेगी, आप लोगों को बस व्लॉग में बने रहना है। तो गाइस 2 दिन बाद में मुस्तफा से मिला हूँ आज। तो मुस्तफा मिस किया था ना मुझे? बहुत ज्यादा। ये भी थोड़ा सा बीमार था लेकिन ये जल्दी ठीक हो गया था। अभी हमने खाना वाना खा लिया, तो सादत ने हमें यहाँ बुलाया था इजगाम पेट्रोल पंप पे। वो सुबह सिक्योरिटी पे निकला था, उसको जाना था KTM शोरूम, तो उसको ठंड लगी थी, वो फिर इधर ही रुक गया था। अभी उसने हमें बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ गाड़ी में, गाड़ी में चलेंगे। हम दोनों इधर पहुंचे, अभी मैंने उसको कॉल किया कहाँ है, तो वो बोल रहा है कि मैं घर पहुंच गया। भाई पता नहीं उसके साथ क्या सीन हो रहा है, पहले हम लोगों को इधर बुलाया, खुद घर गया। अब मैंने उसको बोला कि हम इधर वेट करेंगे, अभी वो आ रहा है, तो फिर इसके बाद हम KTM शोरूम चलेंगे। अभी हमने पुरानी मास्क वापस पहन ली, वो सर्जिकल मास्क हमने उतारा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, अब हम ठीक हैं। फिलहाल हम सादत का वेट करेंगे, उसके बाद हम KTM शोरूम चलते हैं। फाइनली सादत हमारे साथ जुड़ चुका है, इसने बहुत वेट कराया। अभी पहले इसने घर बुलाया, फिर हम इसके घर ही गए, फिर वापस पेट्रोल पंप पे गए, फिर वापस घर आए, अभी इसके नैनीहाल आना पड़ा, अब शोरूम जाना है। मतलब 1 घंटे से इसने मुझे बस दर बदर किया, उधर से इधर, इधर से उधर। गाड़ी मकलाऊ तेल खाना खा लिया था हमने, लेकिन सादत ने बहुत लेट करा, तो उस वजह से अभी 3 बज चुके हैं। तो मुस्तफ़ा ने बोला मुझे भूख लगी है, अभी कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम शोरूम पे चलते हैं। यहाँ से हमें बस आधा घंटा लगेगा, हम करालपुरा पहुँच चुके हैं, अभी पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद शोरूम जाते हैं। 1 hour later अभी 5 बज चुके हैं, अभी हम शोरूम पे पहुंचे, हमें लेट लगा क्योंकि सादत बाइक की बैटरी भूल गया था, तो मोश वैसे हमें वापस घर जाना पड़ा, तो उस चक्कर में हमें लेट हुआ। अभी हम यहाँ से बाइक लेके जाएंगे, देखते हैं कि बाइक कैसी है, अभी उसमें क्या मॉडिफिकेशन करानी थी या फिर पता नहीं क्या कराना था उसमें, तब मैं था नहीं जब सादत ने वो बाइक यहाँ पर लाई थी। चलो देखते हैं क्या सीन बनेगा। एक रेडी हो गई है, इसने अपना एग्जॉस्ट इसमें वापस लगवाया, क्योंकि ये जो एग्जॉस्ट था ना ये बहुत शोर कर रहा था, तो फिर सादत ने अपना एग्जॉस्ट इसमें वापस लगवाया, अभी ठीक है। तो इस वाले एग्जॉस्ट से पिकअप भी कम हुआ था, और इन्होंने यहाँ बोला कि इंजन में भी प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से फिर हमने ये एग्जॉस्ट बाहर निकाला, तो अभी फील आएगा दोनों का सेम। ये मुझे बस बार बार चिढ़ा रहा था, तेरी बाइक साउंड ही नहीं करती है, मेरी बाइक का अच्छा खासा साउंड है। अभी इसने भी अपना एग्जॉस्ट लगवाया, अभी हम सीधे घर चलते हैं और घर जाके इस ब्लॉग का एंड करते हैं। यहाँ हमने सारा काम कंप्लीट किया, अभी घर जाने का टाइम आ चुका है, तो और मैं गाड़ी में जाएंगे, तो सादत बाइक पे जाएगा, पर उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो उसने मुस्तफ़ा को बोला था तू बाइक चला, मुस्तफ़ा ने नहीं माना, तो अभी हम दोनों गाड़ी में चलते हैं, तो वो बाइक पे आ जाएगा।
फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, सादत अभी रास्ते में ही है, वो बाइक पे है तो इसलिए बाइक वो धीरे चला रहा है। अभी शाम का टाइम है तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। मुस्तफ़ा और मैं घर पहुंच चुके हैं, तो आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया है। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।